हेलो गाइस, वेलकम टू यम यम इंडिया। आज हम बना रहे हैं विंटर स्पेशल सरसों का साग, जिसमें हमें चाहिए एक गुच्छी साग, एक गुच्छी पालक और एक गुच्छी बथुआ। बथुआ हम सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे, अदरवाइज हमारा जो साग है वो थोड़ा कड़वा बन जाएगा। और चार पांच मिर्ची हम डालेंगे हरी। सो लीजिए गाइस, साग कट चुका है हमारा और ये है पालक, पालक भी हमने काट ली है, और ये है बथुआ, बथुआ हमने साग के साथ ही कट कर लिया। और अब हम इन तीनों को इकट्ठे करके और वॉश करेंगे। सी गाइस, अब हमने कुकर में साग, पालक, बथुआ तीनों चीज़ें डाल दी हैं वॉश करके, और हाई फ्लेम पे ही रख रहे हैं। इसको प्रेस कर देना अगर आपके कुकर में नहीं आता, नीचे से गैस चला देना। और चार पांच जो हमने ग्रीन चिलीज डाली थी, और एक चम्मच नमक, एक से थोड़ा सा ज़्यादा ले लो क्योंकि मेरा स्पून थोड़ा छोटा है, और एक गिलास आप पानी डाल दीजिए। सी देखो, अब हमारा साग नीचे बैठने लग गया। सी गाइस, अब हमारा साग बैठ चुका है, पानी दिखने लग गया। अब हम इसका ढक्कन लगाएंगे और इसको कम से कम हम 13-14 सीटियाँ आने देंगे। गाइस, अब हम तड़का रेडी करेंगे, जिसमें हमने लिए हैं 3 से 4 प्याज और टमाटर लिए हैं तीन टमाटर, जिसमें हमने अदरक और लहसुन भी कट किया है। अब हम तड़का रेडी कर रहे हैं। तड़के में हम डालेंगे देसी घी 2 बड़ी चम्मच। घी पिघल गया है, इसमें डालिए हींग, जीरा, इसमें डालेंगे हम कटे हुए प्याज, और इसको हम लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे, और फिर इसके बाद हम ऐड करेंगे टमाटर। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसमें डालेंगे टमाटो की पेस्ट। अब हम इसमें मिक्स करेंगे मसाले, नमक 1.5 चम्मच, क्योंकि 1.5 चम्मच हम ऑलरेडी साग में डाल चुके हैं, और मिर्ची अपने स्वाद अनुसार, हमें तीखा पसंद है सो हम लाल मिर्ची भी यूज़ करते हैं, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, और पिसा धनिया थोड़ा सा, और ये मेन मसाला किचन किंग, जो मैं हर सब्जी में अपनी ज़रूर यूज़ करती हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हर सब्जी का। मसाला हो गया अब हमारा रेडी, आप देख रहे हैं घी छोड़ चुका है मसाला। सो गाइस, विसल्स आ चुकी हैं, अब हम कुकर खोल रहे हैं। वेरी नाइस, अब ये साग थोड़ा खड़ा खड़ा है, अब हम इसको मैश करेंगे, जो मेन पार्ट है इसका मैश। साग हमारा हल्का ठंडा हो गया है, अब हम इसको मैश करेंगे, किसकी सहायता से, ब्लेंडर की सहायता से। और आपको इसको पूरी तरह मैश नहीं करना, ऐसे मैश करना आराम आराम से, कि थोड़ा खड़ा खड़ा भी बने। देखिए गाइस, सी अब हमारी क्या कंसिस्टेंसी है हमारे साग की। तड़का भी इधर तक पक के रेडी हो चुका है, अब हम इसमें अपना साग ट्रांसफर करेंगे। साग इसमें डाल लिया है हमने, अब हम तड़का और साग को मिक्स करेंगे। वाओ, आ हा हा, अरे वाह, साग बन रहा है आज तो अल्टीमेट, मुंह में पानी आ गया देख के यार। और गाइस, जैसे मेरी साग की थिकनेस बिल्कुल एक्यूरेट है, अगर आपको लगता है कि आपका साग ज्यादा पतला हो गया है, तो आप मक्की का आटा 1 या 2 चम्मच डाल के उसको हिलाते रहे, तड़के में नहीं डालना, सिर्फ साग को जब आप ब्लेंड करोगे उसके बाद आपने उसमें 1 से 2 चम्मच मक्की का आटा डाल के अच्छे से पकाना है उसको। अभी साग को पकने दीजिए 5 से 7 मिनट, उसके बाद हम इसमें मिक्स करेंगे मक्खन।
अब हम इसमें डाल रहे हैं बटा। आप देसी घी भी यूज कर सकते हैं दोबारा से। सो गाइस, साग रेडी हो चुका है। आप इसको आटे की रोटी के साथ खा सकते हैं। वैसे मेरी फेवरेट तो मक्की की रोटी है। मेरी भी मक्की की रोटी फेवरेट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गाइस मक्की की रोटी की भी रेसिपी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। स्टे ट्यून्ड फॉर अवर नेक्स्ट वीडियो एंड डू लेट अस नो कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और कैसी लगी रेसिपी, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। सी यू गाइस, बाय बाय।